हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति जैन आपका स्वागत करती हूँ कृष्णा क्रिएशन में। आज मैं आपको ये कुशन बनाना बता रही हूँ और यहाँ मैं वेलवेट के कपड़े से कुशन बना रही हूँ, लेकिन आप इसे साटन के फैब्रिक या टी शर्ट्स जो पुरानी हो जाती हैं उसका जो फैब्रिक होता है उससे भी आप इस कुशन को बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, यहाँ मैंने दो तरह के वेलवेट के फैब्रिक लिए हुए हैं और इसके साथ ही आपको ये छोटे छोटे टुकड़े भी चाहिए इसमें बटन बनाने के लिए। और यहाँ आपको सबसे ज़रूरी है ये बड़ी सुई, इससे आपको हेल्प रहेगी बनाने में। और धागा आपको मजबूत लेना है जिससे कि इस कुशन की मजबूती बनी रहे। और इसी के साथ हम इसमें यूज़ करेंगे रुई। तो यहाँ पर मैं एक पुराना तकिया है जिसकी रुई ये ख़राब हो चुकी है, इसे यूज़ करूँगी। लेकिन आप यहाँ पर जो सिलाई में बारीक वाली कतरन इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि हम सिलाई के बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास कतरन बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, आप उसे भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उससे भी ये कुशन बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर इस रेड कपड़े से आपको बता रही हूँ कुशन बनाना। देखिए, इस कपड़े की जो ये चौड़ाई है ये है 16 इंच और इस कपड़े को मैंने लंबाई में लिया है 34 इंच। मतलब जितनी इसकी चौड़ाई है उसका दुगना और उसमें मैंने 2+ किया है। तो इस तरह से आप किसी भी कपड़े की लंबाई चौड़ाई ले लें। और अब हम यहाँ इसे डबल फोल्ड करेंगे और इसे एक साइड जहाँ ओपन साइड है वहाँ से आपको सिलाई लगानी है। देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हमारे पास ये राउंड में कपड़ा आ गया है। अब आपको इसे एक तरफ से बखिया करके कपड़े को इकट्ठा करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो सुई में धागा लिया है वो 4 वर्ते लिया है और ये धागा जो वाइट मोटा गट्टा आता है उसका धागा मैंने यूज़ किया है। और इस तरह हम यहाँ बड़े बड़े टांके लेंगे और ये बखिया बहुत जल्दी हो जाती है 1 मिनट में। तो इस तरह से आप इस पूरे कपड़े में सुई से टांके लगा लें। अब हम इसे इस तरह से खींचेंगे और कपड़े को इकट्ठा करेंगे। अब आपको यहाँ पर डबल नॉट लगानी है। अब आप इस कपड़े को इस तरह से पकड़िए और हम इस बचे हुए धागे से यहाँ पर 2-3 बार इस तरह अंटे लगा देंगे और इसे फिर से मैं डबल नॉट लगा देती हूँ। और उसके बाद हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो कुशन है वो एक तरफ से तो लॉक हो गया है। अब आप इसे सीधा करिए। अब ये जो थैली दिख रही है आपको, इसमें आपको रुई भरनी है या जो भी आप इसमें यूज़ करना चाहें वो आप इसमें डाल दें। तो देखिए, ये जो पुरानी रुई है ये इकट्ठी हो जाती है, तो मैं इसके यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े करके डालूंगी जिससे ये चारों तरफ से बिल्कुल एक सा रहे। आपके पास अगर कतरन बारीक वाली जो कतरन होती है वो हो, सॉफ्ट कपड़े की हो, तो आप उसे भी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ डालने के बाद मैंने इसे देखा, अब ये थोड़ा लूज है तो इसमें मैं थोड़ी सी रुई और डाल देती हूँ। तो इस तरह से आप इसे चारों तरफ से एक सा करके भरें तो हमारा जो कुशन है वो बिल्कुल राउंड शेप में आएगा। तो देखिए, अब ये टाइट है, तो यानी कि अब मैं इसे ऊपर से भी लॉक करूँगी। तो आपको सेम जिस तरह हमने पहले किया था बखिया, उसी तरह से सुई से चारों तरफ बखिया करके कपड़े को इकट्ठा कर लेना है। सिंपल आपको यहाँ टांके लगाने हैं। जो सिलाई नहीं भी जानते हैं वो भी इस कुशन को बहुत ईजीली बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे इकट्ठा किया और यहाँ पर मैं इसे डबल नॉट करके पक्का कर देती हूँ। तो देखिए, इसे अब आप इस तरह से प्रेस कर लें और चारों तरफ से इसे बिल्कुल सेट कर लें जिससे ये राउंड शेप में आ जाए। अब हम इसमें जो बटन लगाएंगे उसकी बॉल्स बना लेते हैं। तो देखिए, इस तरह थोड़ी सी रुई लीजिए और कपड़े के बीच में रख के इसे हम चारों तरफ से इकट्ठा करेंगे। और ज़्यादातर लोग इसे पोटली बटन के रूप में जानते भी हैं, तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं बस। तो इसे पकड़ने के बाद मैंने इसे सुई से बीच में से लिया और चारों तरफ जो पक्का वाला धागा है 4 फोल्ड उसे इस तरह से मैंने अंटे लगाए और यहाँ पर मैं इसे लॉक कर देती हूँ। तो देखिए, इस तरह टाइट नॉट लगाने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसे आपको कट कर देना है। और इसी तरह से आपको 2 बॉल्स बनानी है कुशन के दोनों साइड लगाने के लिए। तो यहाँ देखिए, मैंने ये दोनों बॉल्स बना ली हैं और अब हम इसे अपने कुशन में लगाएंगे। इसमें बॉल्स लगाने के पहले आपको सबसे मेन काम करना है, बड़ी सुई में आपको 4 फोल्ड धागा लेना है और इस तरह से एक टांका आप यहाँ लीजिए और इस सुई को आपको एक तरफ से घुसा के दूसरी साइड से निकालना है। ये इस कुशन का सबसे मेन काम है और सिर्फ इसी काम के लिए आपको बड़ी सुई की ज़रूरत होती है।
तो देखिए इसका जो ये लुक है ये इसी टांके से आएगा जो अंदर की साइड आ जाएगा, और दूसरी साइड आप इसे नॉट कर दीजिए, या आप चाहें तो इसे एक बार और दूसरी साइड से फ्रंट साइड पर लेकर नॉट लगा दें। तो ये जो कुशन है उसका चारों तरफ तो फूला हुआ हिस्सा रहता है और बीच में से ये थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है, और इसी में हमें अपने इस पोटली बटन को लगाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सुई से इसे लिया और चारों तरफ से हम इसे सिल देंगे, और यहाँ आप छोटी सुई यूज़ करें क्योंकि उस वो थोड़ी पैनी होती है तो बहुत जल्दी इसमें आपको सिलाई लग जाएगी। तो देखिए आपको कुशन का थोड़ा सा कपड़ा लेना है और थोड़ा सा हम जो पोटली बटन है उसके बॉल्स में सुई लगाएंगे और इसे घुमाते हुए चारों तरफ से सिलेंगे, जिससे बिल्कुल भी इसका नीचे का जो कपड़ा है वो दिखाई नहीं देगा और ये साइड साइड से पूरी सिल जाएगी। आप चाहें तो पहले इसे कुछ गम लगाकर चिपका लें और उसके बाद सिलाई करें, जिससे आपको इजी रहेगा। तो इस तरह से ये बटन लग गया है और यहाँ पर आप डबल नॉट लगाकर इसे लॉक कर दें। अब इस धागे को मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। तो देखिए दोनों साइड मैंने पोटली बटन को लगा दिया है। इसी तरीके से मैंने ये दूसरा कुशन भी बना लिया है। तो इस तरह से आप बचे हुए टुकड़ों से भी कुशन बना सकते हैं, और इस तरह रंग बिरंगे आप कुशन बनाइए और अपने घर को डेकोरेट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।